नमस्कार, जुगल किशोर के साथ खबर सेवन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। जलालपुर क्षेत्र के मजगवा कला स्थित गांव प्राथमिक विद्यालय वनपुरवा प्राथमिक विद्यालय मथुरापुर में त्रिलोचन महादेव बाजार निवासी भोजपुरी अभिनेता चंदन सेठ ने विद्यालय के छात्र छात्राओं के साथ केक काटकर अपना 30वां जन्मदिन मनाया। चंदन ने अपने हाथों से 350 बच्चों में बिस्किट और चॉकलेट बांटा। अपने हाथ से सभी को केक भी खिलाया। स्कूल में बच्चों से देर तक बात भी किया। चंदन ने बताया कि इन बच्चों के साथ मिलकर जन्मदिन यादगार बन गया। बताया कि शिक्षकों और बच्चों ने जिस तरह प्यार और सम्मान दिया है अतुलनीय है। विदितों को जन्मदिन के खास मौके पर 50 गरीब परिवारों में राशन का पैकेट भी वितरित किया, जिसमें आटा, दाल, तेल, नमक, मसाला इत्यादि था। जन्मदिन के मौके पर त्रिलोचन महादेव स्थित प्राचीन व ऐतिहासिक मंदिर पर स्वच्छता अभियान भी चलाया और मंदिर के सामने बने तालाब के पास 15 पौधों का पौधारोपण भी किया। चंदन ने विद्यालय में मौजूद लोगों से अपने जन्मदिन पर उपहार स्वरूप एक एक पौधे लगाने का आग्रह किया, जिसकी सराहना विद्यालय स्टाफ सहित क्षेत्र के लोगों ने भी किया। सभी ने एक एक पौधा लगाने का संकल्प लिया। श्री सेठ ने बताया कि यह अभियान यही नहीं थमा है, इनका लक्ष्य 1,00,000 पौधे लगाने का है। ग्रीन इंडिया, क्लीन इंडिया यह संदेश वह जनता तक पहुंचाना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि अब तक वह 7,000 से ज्यादा पौधों का पौधारोपण कर चुके हैं। चंदन ने बताया कि जन्मदिन के शुभ दिन पर फिल्म इंडस्ट्री सहित अनेक सगे संबंधियों, करीबी मित्रों, उनके चाहने वालों ने फोन पर कॉल व मैसेज करके व्हाट्सएप व सोशल मीडिया पर भी बधाई व शुभकामनाएं दी। चंदन जल्दी भोजपुरी फिल्म रंगीला बनारस व हिंदी शॉर्ट फिल्म रहस्य में मुख्य किरदार में दिखाई देंगे। इस अवसर पर संदीप सेठ, फिल्म प्रचारक सुनील प्रजापति, पराउगंज व्यापार मंडल अध्यक्ष शिवचंद यादव, रविशंकर पाल, पंकज यादव, अजीत प्रताप सिंह, संतोष कुमार, रवि यादव, सुदर्शन मिश्रा, सूरज गुप्ता, राजू सिंह, मनभावती यादव, प्रिंस यादव, गोरख यादव, दाऊ यादव आदि लोग मौजूद रहे।